हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पर्स से रिलेटेड कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला टिप्स है हमारा इस तरह की पर्स को लेके। इस तरह की पर्स हम सभी लेडीज़ यूज़ करते हैं, पर कई बार होता है कि इसकी बेल्ट टूट जाती है या फिर जिप टूट जाती है, तो हमें लगता है ये किसी काम का नहीं है, फिर उसे फेंक देते हैं। पर आप फेंकने के बजाय, आप अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्हें उठने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप उनके बेड के पास इसको रख सकते हैं और इसमें जितने भी उनकी मेडिसिन होते हैं या फिर उनका मोबाइल फ़ोन है तो वो रख के उनको दे सकते हैं रखने के लिए। कई बार होता है ना कि बेड के पास कोई टेबल, कोई स्टूल नहीं होती है या कुछ रखने के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है जिस पर हम उनका मोबाइल फ़ोन या फिर मेडिकल का कोई भी चीज़ रख सके। तो अगर आप सिरहाने में रखते हैं उनका, तो घर में छोटे बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं, उससे नुकसान कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी सिरहाने में रखना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी देखे तो बुरा लगेगा देखने में। तो इसके लिए आप इस तरह के पर्स में आप उनका मेडिकल का कोई भी सामान रख सकते हैं, जिससे कि जब चाहे वो खुद से ही लेके यूज़ कर सकते हैं, उन्हें उठना नहीं पड़ेगा और देखने में भी अच्छा रहेगा। सामान सब भी या मेडिकल का जो भी चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह है, वो सुरक्षित रहेगी। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है हमारा इस तरह के थैले को लेके। जब सब्जी भाजी लेने के लिए जाते हैं तो इस तरह के थैले की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये थैला जब आप कपड़े खरीदते हैं तो मिल जाती है, नहीं तो फिर अलग से भी हम खरीद के रखते हैं, क्योंकि सब्जी भाजी लाना बहुत आसान रहता है ऐसे थैलों में। तो जब भी आप सब्जी भाजी लेने के लिए जा रहे हैं या ग्रोसरी का कोई भी सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप पर्स में ही सारा पैसा ना रखें। जो पर्स आप मार्केट जाते समय यूज़ करते हैं, थोड़े से पैसे इस तरह की ज्वेलरी पर्स में आप रखें। ऐसे ज्वेलरी पर्स हम सभी लेडीज़ के पास मिल ही जाते हैं, क्योंकि सिल्वर की ज्वेलरी या गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो पर्स देते ही हैं, पर हमें लगता है कि इसका क्या काम है, हम फेंक देते हैं या फिर बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए, वो खेलते खेलते ख़राब कर देते हैं। तो आप ऐसे ज्वेलरी पर्स को सब्जी लाने के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी थैला आप यूज़ करते हैं, उस थैले के अंदर इसको सेफ्टी पिन से टक कर दीजिए या फिर चाहे तो धागा से टक कर दीजिए। सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, वो भी नहीं खुलती है, लेकिन अंदर की तरफ से लगाइएगा। बाहर की तरफ से अगर आप पर्स को लगाते हैं तो सबको दिखेगा, हो सकता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पे निकाल ले या फिर गिर जाए। अंदर की तरफ अगर लगाएंगे तो अगर बाय मिस्टेक गिर भी जाती तो वो थैले में ही गिरेगी, पर इस तरह से टक करेंगे तो वो नहीं गिरेगी। क्योंकि जब हम सब्जी भाजी लेने के लिए जाते हैं, बार बार बड़े पर्स को खोलना ठीक नहीं रहता है, तो थोड़े से पैसे इसमें रख लीजिए और जो भी खरीदना है खरीदिए, वापस से जो पैसे बचे इसी में रख लीजिएगा। तो ये पैसे की भी बचत होती है, इससे पैसे आपके गिरेंगे नहीं, नुकसान नहीं होंगे, पर्स भी पड़े रहेंगे इसमें, हाथ में रखेंगे तो हो सकता है कि हाथ से ये छोटा सा पर्स गिर जाए। तो इस तरह से आप थैले का और अपनी ज्वेलरी वाले पर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है हमारा पर्स को लेके ही कि जब हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं, सब्जी मंडी जाए या फिर मेले में जाए, तो एक बात का डर रहता है कि कहीं कोई हमारे बैग को खोल ना दे। और कई बार जो होता है ना, पर्स के जिप इतने हल्के होते हैं कि कोई भी बड़ी आसानी से वो उसको खोल सकता है और खोल के कोई भी चीज़ें निकाल सकता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या पैसे हो, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप जा रहे हैं, तो आप जितने भी आपके पास खल है पर्स में, उतने खल में आप सेफ्टी पिन लगा दें। अगर दो खल है तो एक ही सेफ्टी पिन में हो जाएगा, बड़ी वाली आप सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसको इस तरह से आप जहाँ लास्ट होता है ना जिप का, हम बंद कर लेते हैं पर्स को, वहाँ पर इस तरह से आप सेफ्टी पिन को लगा दीजिए। आप देख सकते हैं कि दो खल है मेरे में और दोनों एक ही सेफ्टी पिन से ये लॉक हो गया है। अब कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, पर्स के जिप को नहीं खोल सकता है, और जब तक सेफ्टी पिन खोल के और उसके बाद पर्स के जिप को खोलेगा, तब तक आपको आइडिया लग सकता है। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाए तो इतनी सावधानी ज़रूर रखे, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। इस तरह के क्लच वाले पर्स तो हम सभी लेडीज़ यूज़ करते हैं, पर कई बार होता है कि इसका जो जिप का जो लॉक होता है ना, जिसको पकड़ के हम पर्स को बंद करते हैं, जिप को खोलते हैं, वो टूट जाती है, और ज़्यादातर क्लच के पर्स का ही टूटता है, तो फिर इसको खोलना और बंद करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर आपके पास इलास्टिक वाली रबर हो, तो तत्काल के लिए आप इलास्टिक वाली रबर को उसमें
जिप लॉक में फंसा के और एक गांठ बांध लीजिए, और गांठ बांधने के बाद बड़ी आसानी से ये खुल भी सकती है जिप और बंद भी हो सकती है। नहीं तो बालों में लगाने वाला जो रबर आता है ना, पतली पतली वाली रबर, उसका जो धागा होता है वो बहुत मज़बूत होती है, तो आप उसे भी काट के और इसमें आप लगा सकते हैं, आप जॉइंट लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से उससे खुलती भी है और देखने में भी अच्छा लगता है, तो इमरजेंसी में ट्राई कर सकते हैं। अगला टिप्स है पर्स को साफ करने को लेके। पर्स भी गंदा होता है, उस पर भी धूल मिट्टी लगती है, पर हमें समझ में नहीं आती कि उसको साफ कैसे करें, और जैसे ही धूल डस्ट पड़ती है तो पर्स की लाइट ख़त्म हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए आप लें वैसलीन, और जितने भी पर्स आपको साफ करने हैं उतने आप पर्स पे थोड़ा थोड़ा करके वैसलीन आप लगा दें, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा आप लगा दीजिए, और उसके बाद टिश्यू पेपर की मदद से या फिर कॉटन ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ही साफ कपड़ा ले लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा, और इससे पूरे पर्स में आप वैसलीन को अच्छे से लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी धूल डस्ट हैं वो तो कपड़े में आ जाएगी, साफ़ हो जाएगा पर्स, और साथ में एक लाइट आ जाती है, एक चमक आ जाती है पर्स में वैसलीन से साफ करने की वजह से। तो मैं दोनों पर्स साफ करके और फिर आपको दिखाती हूँ, और कॉटन पे इतना सारा गंदगी भी इकट्ठी हो जाती है, तो आप इस तरह से अपने पर्स को बड़े आसानी से चमका सकते हैं, साफ कर सकते हैं, एकदम नए जैसी चमकदार पर्स हो जाती है। तो इस पर्स को साफ़ कर ली हूँ, अब क्लच को साफ कर लेती हूँ। तो बहुत बढ़िया तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये देख सकते हैं इस पर्स को भी मैं साफ़ कर ली हूँ और कितना गंदा निकला है। अगला टिप्स है ऐसे ज्वेलरी पर्स को आप ब्रश रखने में भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है ना बाथरूम में कीड़े मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि बाथरूम में धूप ज़्यादा नहीं जाती है, पानी टलगी रहती है, जिस वजह से मक्खी मच्छर लगते हैं, और अगर वो ब्रश पर लगे तो उससे हमें बीमारी हो सकती है। हम वही ब्रश से अपना दांत साफ़ करेंगे और जिससे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप इस तरह की ज्वेलरी पर्स का यूज कर सकते हैं। आप जितने भी मेंबर हैं जितना ब्रश रखते हैं उसके अकॉर्डिंग पर्स ले। मैं छोटा वाला पर्स ली हूँ, इसमें 3 ब्रश आ जाएगा, तो 2 दोनों तरफ से होल की हूँ और 1 बीच में। अब इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो चलिए चलते हैं हम बाथरूम में, और वहाँ से जितने भी ब्रश हैं वो ब्रश को हम इसमें रखेंगे। एक पीछे से भी हमने छोटा सा होल किया है। अगर कील लगा हुआ है आपके बाथरूम में तो आप एक ही होल करें, लेकिन मेरे बाथरूम में कील नहीं है कहीं पर भी, तो मैं जो कपड़े टांगने वाले जो हैंगर आती है ना, मैं उसी में लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं 2 छोटा छोटा होल की हूँ, ताकि एक तरफ से लगाएं और दूसरी तरफ से इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से हैंग कर देंगे, और उसके बाद जितना भी होल किए हैं उतने होल में हम ब्रश रख देंगे इस तरह से, और फिर जिप बंद कर देंगे। इससे मक्खी मच्छर कीड़े कुछ भी नहीं लगेंगे ब्रश में। जब भी ब्रश करना हो आराम से जिप खोलिए और ब्रश अपना निकाल लीजिए, इससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने ज्वेलरी पर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको पर्स से रिलेटेड इतने टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।